पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 के मुकाबले जारी हैं। जो जो पाकिस्तान सुपर लीग का अख्ताम करीब है, मैच भी ज़बरदस्त होते जा रहे हैं। आज खेले जाने वाले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पिशावर ज़ल्मी का आमना सामना होगा। मैं हूं आपका होस्ट अदनान अब्बास और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लवर यूट्यूब चैनल। पिशावर ज़ल्मी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के आगाज़ से ही कभी अच्छी और कभी बुरी परफॉर्मेंस के साथ चलती आ रही है। पिशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेले जाने वाले इस मैच में पिशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से है, जिसमें कप्तान वहाब रियाज, लियाम लिविंगस्टन, हज़रतुल्ला ज़ज़ई, शुएब मालिक, शर्फिन रदरफोर्ड, हैदर अली, साकिब महमूद, उस्मान कादिर, सलमान इरशाद, मोहम्मद हारिस, बेन कटिंग और अरशद इकबाल शामिल हैं। पिशावर ज़ल्मी की टीम काफ़ी मजबूत टीम है, जिसने गुज़िश्ता खेले जाने वाले सीज़न में भी फ़ाइनल तक रसाई हासिल कर ली थी। पिशावर ज़ल्मी, जो कि पहले राउंड में सिर्फ 2 मैचों में कामयाबी हासिल कर पाई है, इस दूसरे राउंड में भी पिशावर ज़ल्मी ने अब तक 2 मैचों में कामयाबी हासिल की है। पिशावर ज़ल्मी, जो कि 8 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है, पिशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि 8-8 पॉइंट के साथ इस वक्त बराबर तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मजबूत ओपनिंग स्टैंड रखने वाली टीम है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिशावर ज़ल्मी के खिलाफ बहुत ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि कप्तान शादाब खान, जो कि इंजरी के बायस इस मैच से बाहर हो चुके हैं। इस्लामाबाद की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से है, जिसमें हसन अली, आसिफ अली, कॉलन मर्रो, फ़हीम अशरफ, मार्टिन डिलेंगर, एलेक्स हिल्स, मोहम्मद वसीम, आज़म खान, मोहम्मद इखलाक, मुबस्सिर खान, रहमानुल्लाह गुरबाज शामिल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि अपने मेन प्लेयर और कप्तान शादाब खान के अलावा पिशावर ज़ल्मी के साथ मुकाबला करने जा रही है। शादाब खान गुज़िश्ता मैच में इंजरी के बायस इस मैच से बाहर हो चुके हैं। शादाब खान की कमी इस्लामाबाद यूनाइटेड को काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। शादाब खान की जगह कप्तानी के फ़राइज आसिफ अली के कंधों पर होंगे, जबकि हसन अली के कंधों पर भी बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि वो शादाब खान के मेन प्लेयर और जिगरी यार हैं। एलेक्स हिल्स और रहमानुल्लाह गुरबाज, जो कि ऊपर से इस्लामाबाद यूनाइटेड को बेहतरीन स्कोर फराहम कर सकते हैं, क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड पिशावर ज़ल्मी को शिकस्त देने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।